बुधवार को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने मिलकर एक साथ आनासागर झील में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आदि की स्थिति उत्पन्न होने पर बचाव कार्य कैसे किया जाता है, इसका प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान संभागीय आयुक्त हनुमान साय मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक नितिन दीप लग्गन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल और राज्य आपदा प्रबंधन बल के बचाव दल ने नौकायान और गोताखोरों के साथ संयुक्त अभ्यास का प्रदर्शन करते हुए प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में बचाव कार्य किस तरह किया जाता है, इसकी मॉकड्रिल की। इस तरीके के राफ्ट तैयार कर सकते हैं, इनकी मदद से आराम से एक व्यक्ति पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है काफी समय तक, और वो अपने जीवन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। और जो आप देख सकते हैं तो बिना श्रमिक के भी अगर 6 से 7 बोतल है तो आराम से पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। ये बॉडी खड़ी कर रखी है, अगर ये लेट जाते हैं तो और भी आसान होता है, खड़े रहने के बाद भी ये डूबेंगे नहीं, इन बोतल की मदद से आराम से ये अपने आप को संभाल कर सकते हैं। दूसरा जो देख पा रहे हैं बर्तन, जो आपके घर में जो अपने बर्तन होते हैं उनका मुंह बंद करके दोनों तरफ से उनको बांधने के बाद आप लकड़ी से सहायता से ये तैयार किया जा सकता है, जिसकी सहायता से इम्प्रोवाइज बेटर तरीके से, जो ये देख पा रहे हैं आप थर्मोकोल, जो घर में थर्मोकोल होता है उसकी सहायता से आप उसको लकड़ी से डिजाइन करके ये रख सकते हैं, ताकि इस तरह की सिचुएशन में नहीं तैरने वाले जिनको तैरना नहीं आता है आसानी से जो है अपना किनारा पकड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं जो वस्तुएं हमारे घरों में आमतौर पर पाई जाती हैं उनकी मदद से हम किस तरीके से राफ्ट यानी फ्लोटिंग आइटम्स बना सकते हैं, और मुसीबत के टाइम में जब बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो उनकी मदद से आराम से देख सकते हैं आप फ्लोट कर सकते हैं और आप किनारा पकड़ सकते हैं। ये वो वस्तु की मदद से ये फ्लोट करते हैं और आराम से 1 से 2 लोगों को आराम से वो आप निकल सकते हैं जहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा होती है। ये सारे ऐसे सामान है जो हमारे घरों में जनरली पाए जाते हैं, इनकी मदद से आप आराम से अपने आप को काफी लंबे समय तक पानी के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि उससे बनाया गया राफ्ट है और तीसरा ये थर्माकोल। मॉक एक्सरसाइज डेमोज ये एनडीआरएफ अक्सर करती रहती है, इसमें एनडीआरएफ के साथ जो स्टेट की अथॉरिटीज होती है एसडीआरएफ सिविल डिफेंस उनके कार्मिक भी भाग लेते हैं। इसमें ये जो मॉक एक्सरसाइज वगैरह होती है वो फ्लड से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड, CBRN से रिलेटेड, ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड, इनके ऊपर हम एक रेगुलर बेसिस पे हमारी NDRF की एक्सरसाइज नेशनल लेवल पे चलती रहती है। इसके साथ के साथ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, जन जागरूकता अभियान जिनको बोलते हैं, वो भी हमारे रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। हकीकत में ऐसा ही होता है कि कैसे लोग फंसे, कैसे लोगों को बचाया जाता है। ये मौके के साथ साथ क्योंकि जो हमारी सपोर्टिव एजेंसियां हैं SDRF और सिविल डिफेंस होमगार्ड्स वगैरह जितने भी ये सपोर्टिव लोग होते हैं उनको भी हम साथ में इन्वॉल्व करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग भी इसको एक एसेस करें, सीखें इसके बारे में, तो ये भी हमारा एक पार्ट रहता है, इनको ट्रेनिंग भी देना और साथ में भी लगाना इनको। जो NDRF थी उसका एक जो रूटीन मॉक ड्रिल होती है वो है ताकि लोगों को पता लग सके कि जब भी कोई भी इवेंचुअलिटी आएगी उसमें कैसे बचाव किया जाए। आज इन्होंने कहा था कि जो झील के जो अंदर जो लोग थे उनको कैसे बचाया गया, और उससे ये पता लगा कि सीइंग इज बिलिंग, तो लोग काफ़ी लोग आए तो इनका एक मॉक ड्रिल था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा और थैंक्स टू देम। कई बार एक्चुअल में भीलवाड़ा में ऐसी घटना ही थी और 4 आदमियों को इन्होंने वास्तव में बचाया था, टॉक में बचाया था, तो ये बहुत अच्छा है और सबको ट्रेनिंग मिल रही है, लोगों को मिल रहा है। हमने इनसे और कहा है कि भाई उसको और इसका दायरा और बढ़ाएं, एरियल लिफ्ट भी करें, क्योंकि यहाँ एरियल लिफ्ट के भी लिए एक अच्छी जगह मचान बना हुआ था वो करें, और जो फायर वाला है वो भी देखें।